फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक और आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सफारी में। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में, जिन्होंने आचार्य चाणक्य के निर्देशन में धनानंद को हराकर मगध का सिंहासन प्राप्त किया तथा चाणक्य ने ही 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया व स्वयं उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक है। उनके सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में अपनी सेना में हुए विद्रोह के कारण भारत विजय के अपने अभियान को अधूरा छोड़कर वापस मैसिडोनिया चला गया, जिससे स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के परामर्श से अपने साम्राज्य विस्तार हेतु राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। धनानंद के बाद यह क्षेत्र सीधे ही चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गया। मुद्रा राक्षस में ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतक से संधि की। अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों की भर्ती आटविक, मलेच व अन्य शस्त्रोपजीवी जातियों से की। उसकी सेना में शक, यवन, कंबोज, पारसिक तथा बालहीक भी शामिल थे। प्लूटार्क के अनुसार सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को अपनी 6,00,000 सैनिकों की सहायता से जीत लिया। जस्टिन के अनुसार संपूर्ण भारत चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसने यवनों के विरुद्ध अपने अभियान को 317 ईसा पूर्व में पूर्ण किया, जब पंजाब के शासक यूडेमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। इस सफलता से चंद्रगुप्त को पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक अभियान चलाए। मामूलनार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने तिनेवली जिले तक मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया। मौर्य सेना कोंकण से होते हुए कोयम्बटूर जिले तक पहुंच गए। उपर्युक्त लेखों में वर्णित वंब मोरियर की संगत चंद्रगुप्त मौर्य से ही की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये प्रमाणित होता है कि पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति व उनके समकालीन सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसने सिकंदर के जीते हुए प्रदेशों पर अपना दावा किया और पूर्व की ओर बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक बदल चुकी थी और ये क्षेत्र चंद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का सामना चंद्रगुप्त से सिंधु नदी के तट पर हुआ, जिसमें संधि के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि सेल्यूकस ने अपने अधीन क्षेत्र हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को सौंप दिए तथा अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसके उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। इस प्रकार इस मैत्री संबंध को स्थायी बनाने के लिए सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान भारत व पाकिस्तान का अधिकांश भाग चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को एक लोक कल्याणकारी साम्राज्य बनाने के प्रयास किए। समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की लोक कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाने के पूर्ण प्रयास चंद्रगुप्त ने किए। उसके मंत्रिपरिषद में 18 तीर्थों यानी पदाधिकारियों का वर्णन है, जिसमें सबसे प्रमुख पद महामातिका था और जिस पर स्वयं आचार्य चाणक्य सुशोभित थे। ये पदाधिकारी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग करते थे। मेगस्थनीज के अनुसार राजा की सेना में गुप्तचरों की एक बड़ी फौज होती थी। प्रजा का सुख ही चंद्रगुप्त मौर्य का सुख था और उसकी संगठित नौकरशाही शासन व्यवस्था की विशेषता थी। प्रजा का जीवन सुखी व अनुशासित था और राज्य की सीमाएं भी सुरक्षित थी। श्रवण बेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। यहाँ सबसे रोचक तथ्य ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटधारी दिगंबर मुनि हुए। उनके बाद कोई भी मुकुटधारी शासक जैन मुनि नहीं हुआ। अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है।
स्वामी भद्रबाहु के साथ वे अपने राज्य बिंदुसार को सौंपकर श्रवण बेलगोला चले गए और उन्होंने उपवास यानी संलेखन विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग 298 ईसा पूर्व में संभवतः कर दिया। तो मित्रों, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने आपको बताया भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं व शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।